नमस्कार दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको एडोबी पेज मेकर 7.0 के अंदर ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर ऐड हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़पेपर, चाहे वो हिंदी हो, बंगला हो या इंग्लिश हो, किसी भी न्यूज़पेपर में आप देखिएगा कि न्यूज़पेपर का बहुत सारा छोटे छोटे ऐड्स रहते हैं, तो वो कैसे डिज़ाइन करते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है कि जो भी ऐड आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबका एक साइज़ होता है, तो नॉर्मल सा एक साइज़ जो मैं आपको लेकर दिखाता हूँ और डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको जो काम करना है, नॉर्मल सा पेज लीजिए, उसके बाद ये जो टूल बॉक्स है, ये जो रेक्टेंगल टूल, इस पर क्लिक किया और अपने पेज पर, ये जैसा कि मेरा पेज है, यहाँ पर मैं इस तरह एक बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने बॉक्स, एक रेक्टेंगल बॉक्स ले लिया। लेने के बाद नीचे देखेंगे कंट्रोल पैलेट है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हाई, यहाँ पे चौड़ाई, और ये W के लिए चौड़ाई है और H के लिए हाइट है। तो लेंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी डिज़ाइन बनाइए लेकिन लेंथ, हाइट एंड वेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चौड़ाई हम लोगों जो W लिखा हुआ है इंचज़ में है, तो चौड़ाई फ़िलहाल मुझे लेना है 4 इंच। तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये W वाले बॉक्स में क्लिक कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद मैं 4 लिखता हूँ और कीबोर्ड पर इंटर दबाइए। तो देखिएगा आपका ये साइज़ देखिए 4 इंच का हो गया। अब ये जो हाइट है, हाइट इसका जो ये वाला हाइट कैसे लेंगे, उसको मैं 6 रखना है। तो अभी 6.094 इंचेस दिखा रहा, तो इसको भी आप क्लिक करके सेलेक्ट कीजिए और आप 6 लिख दिए और फिर इंटर दबाइए। अब देखिए ये हाइट एंड विड्थ मेरा सेट हो गया, 4x6 का साइज़ मेरा हो गया। ये देखिए चौड़ाई 4 इंच और ये इसका हाइट 6 इंच। करने के बाद आपको जो काम करना है, ये जो बॉक्स, ये जो साइज़ हम लोगों ने ले रखा है, इसे मुझे क्या करना होगा, इसे लॉक करना होगा। इसलिए इसे लॉक करना होगा साइज़ को, क्योंकि अगर इसे लॉक हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये मूवमेंट जो होगा, क्या हो, काम करते वक्त हो सकता है साइज़ इधर से कम और ज़्यादा हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं कलर कर देता हूँ रेड कलर इस बॉक्स को। तो कलर करने के लिए क्या करेंगे, बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप इसे पॉइंटेड टूल से भी आप इसके लाइन पे क्लिक कीजिए, बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कलर पैलेट में जाइए और मैं इसका कलर रेड ले लेता हूँ। यहाँ पे स्टाइल के ठीक नीचे देखिएगा 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये लाइन के लिए, ये आपका कलर के लिए, फिल के लिए, इस पर क्लिक कीजिए अगर एक्टिवेट नहीं है तो। उसके बाद नीचे कलर है रेड, मैंने रेड ले लिया बॉक्स, देख सकते हैं। करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, इसे मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए क्या करेंगे, इसे आप पॉइंटेड टूल से सिलेक्टेड रहने दें। उसके बाद मेनू बार में जाएंगे, यहाँ पे देखें एलिमेंट है, एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लॉक पोजीशन दिया हुआ है, लॉक पोजीशन, देखिए लॉक पोजीशन, कंट्रोल L भी है शॉर्टकट, अब लॉक पोजीशन कर दिया। अब इसे मैं मूव करने की कोशिश करूँगा तो एक आपको लॉक दिखाई देगा, मतलब ये लॉक हो गया है पेज पर, यहाँ पर लॉक हो गया। अब आपको क्या करना है, इस पेज को थोड़ा सा एक्चुअल साइज़ करना है। अभी तो नॉर्मल से आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, अब इसका साइज़ थोड़ा सा, मतलब पेज का एक्चुअल साइज़ करके हम लोग काम करते हैं तो काम अच्छा होगा, प्लस आपको काम करने में आसानी होगा। तो राइट क्लिक किया मैंने, करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए एक्चुअल साइज़ लाने के बाद, उसके बाद टूल बॉक्स में जाइए, हैंड टूल में जाइए, हैंड टूल को सिलेक्ट कीजिए, ये देखिए मेरा, अब इसमें आपको डिज़ाइन करना है। अब दूसरा जो काम करना है, ऊपर मुझे एक टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिए। अगर आप बेसिक न्यू, एकदम फ्रेशर है, न्यू है, तो ये ट्यूटोरियल आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो अब मैं लिखता हूँ, ये टूल बॉक्स में गया, टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया, कहीं भी पेज के किसी भी जगह पर लिखना है मुझे, ये मैं लिखता हूँ लास्ट चांस लिख दिया मैंने। लिखने के बाद ये जो मैंने लिखा है लास्ट चांस, इसे मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो टेक्स्ट टूल से मैंने सिलेक्ट किया और नीचे देखिए कंट्रोल पैलेट है, यहाँ पे देखिए अभी इसका हाइट दिया 12, इसको मैं कर देता हूँ 30 कर दिया। और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है, इसका मुझे फॉन्ट भी चेंज करना है, तो अगेन आप कंट्रोल पैलेट में जाएँ, यहाँ पर देखिए जो फॉन्ट लिया हुआ है, ये आपका टाइम्स न्यू रोमन लिया हुआ है। अगर आपको कोई फॉन्ट आपको ज़्यादा याद है या आपको पसंद है, फिलहाल मैं एरियल ब्लैक यूज़ करता हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा एरियल ब्लैक लिख देता हूँ, लिख दिया। ऑटोमेटिकली देखिए लिखिएगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटर प्रेस कर देना, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे देखिएगा आपका फॉन्ट एरियल ब्लैक में चेंज हो जाएगा। तो आप लिख कर फॉन्ट का जो बॉक्स है लिख कर आपको इंटर प्रेस कर देना है। देखिए लास्ट चांस, देखिए इस तरह लिखा हुआ आ गया। अब ये देखिए ब्लैक है,
तो इसे मुझे कौन सा कलर करना है, इसे मुझे वाइट करना होगा। तो वाइट करने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल पे टूल बॉक्स में जाइए, टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए और जो टेक्स्ट आपने लिखा है लास्ट चांस उसे मैंने इस तरह सेलेक्ट किया। उसके बाद कलर पैलेट में जाऊंगा, इसे मैं पेपर कर दूंगा, ये देखिए वाइट हो गया। अब क्या है, लास्ट चांस फॉर लिखना है, अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया, अब एक एरिया सेलेक्ट करूंगा, लिखूंगा फॉर, फॉर लिख दिया। इसका भी थोड़ा सा साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 12 है, ये सब यहाँ पे 18 कर देता हूँ। उसके बाद इसे भी बोल्ड चाहे तो बोल्ड कर दें। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसे भी मिलाकर यहाँ पे रख दूंगा। और ये देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आप ऊपर एक आपको यहाँ पे लाइन दिखाई दे रहा है, नीचे लाइन दिखाई दे रही है, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इतना जो एरिया है ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो इसे थोड़ा सा छोटा कर लें जब हो जाएगा तब। उसके बाद इस टेक्स को भी वाइट करना है, तो टेक्स्ट टूल पर क्लिक किया मैंने, इसे भी मैं सिलेक्ट करूँगा, करने के बाद कलर पैलेट में जाऊँगा, पेपर पर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए लास्ट चांस फॉर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, एक बॉक्स लेना है मुझे, वाइट बॉक्स। अब अपने से एक डिज़ाइन करना है बॉक्स, सुंदर सा बॉक्स डिज़ाइन करना होगा मुझे, तो मैं कैसे करूँगा बॉक्स डिज़ाइन ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ, जाने के बाद नीचे आएंगे, ये जो टूल है पॉलीगन टूल जो है, इस पर आप क्लिक कीजिए, करने के बाद और यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, इस जगह से, यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और ये लाइन आप शिफ्ट कीबोर्ड में शिफ्ट प्रेस करके रखिएगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा। और भी थोड़ा नीचे जाता हूँ मैं, नीचे गया यहाँ तक, हाँ इतने इतना काफ़ी है, थोड़ा सा और ऊपर लेता हूँ। उसके बाद ये इधर यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद अगेन शिफ्ट प्रेस करूँगा, स्ट्रेट लाइन आ गया, और भी थोड़ा सा पतला जाता हूँ, हाँ। फिर यहाँ क्लिक किया, आपको क्लिक करना होगा जो टर्न पॉइंट पर, आपको क्लिक करना होगा, ये शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ पर आ गया। आने के बाद आपको क्या करना है, फिर मिडिल में यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक कर दिया, हो गया। फिर आपको क्या करना है, अगेन मैं शिफ्ट रहने दीजिए, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे आपको इस जगह पे क्लिक करना है, शिफ्ट दबा, शिफ्ट नहीं नॉर्मल आप क्लिक करना होगा, ये क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट किए थे जिस जगह से, उसी पॉइंट पे आपको लाकर इसे मैच कर देना होगा, इस तरह एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। अब इस बॉक्स को आपको क्या करना है, वाइट कलर करना है। तो अगेन जब आपका बॉक्स तैयार हो जाएगा तो पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिए और ठीक उस बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अगेन आप कलर पैलेट में जाइए और यहाँ पे देखिए पेपर वाइट के लिए पेपर कलर है, ये क्लिक कर दिया, ये देखिए पूरा वाइट हो गया, देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका वाइट आउटलाइन अगर ब्लैक है तो इसे भी यहाँ पे कलर पैलेट में जाएं, ये जो पहला स्टाइल के ठीक नीचे पहला वाला जो ये वाला है, ये लाइन के लिए इस पर क्लिक कीजिए और पेपर पर क्लिक कर दीजिए। इसका आउटलाइन भी देखिएगा वाइट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये तैयार हो गया, ये बॉक्स तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें मुझे लिखना है, लिखने के लिए टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इस जगह पे भी डिज़ाइन पे भी आप क्लिक कीजिए और एक एरिया सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पे मैं लिखूँगा एडमिशन, एडमिशन लिख दिया। अब इसे भी मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को भी मैं सिलेक्ट करूँगा इस तरह, सिलेक्ट करने के बाद आपको अगेन ये कंट्रोल पैलेट के बॉक्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका साइज मैं ले लेता हूँ 30 30 ले लिया, और थोड़ा ज़्यादा लेना होगा तो बेस्ट है, 30 से ज़्यादा बेहतर है, 36 ले लिया, ये ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन जो लिखा है इसे भी आपको एरियल ब्लैक करना है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एरियल ब्लैक लिखता हूँ, लिख दिया। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए अब ये इंटर प्रेस करने के बाद ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब इस टेक्स्ट को क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसे रेड करना है, तो अगेन टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए, इसे आप सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया और ये रेड कलर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब अगेन पिक टूल पे क्लिक कीजिए, ये देखिए इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो रहा है। उसके बाद बीच में मुझे लिखना है BDS लिखना है, तो अगेन आप टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए, एक एरिया सेलेक्ट कीजिए यहाँ से, ये मैं एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर एक एरिया सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर मैं लिखूँगा BDS, बी बी स्पेस दिया DS लिख दिया। लिखने के बाद इसे भी मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा, इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं 36, और थोड़ा बड़ा करता हूँ, इसे भी एरियल ब्लैक कर देता हूँ, ARIAL एरियल ब्लैक, इंटर प्रेस किया, ये देखिए और 36 ज़्यादा और थोड़ा सा बड़ा चाहिए 48, ये ठीक है, ये देखिए VDS लिख दिया यहाँ पर, ये डिज़ाइन में तैयार कर रहा हूँ, ये देखिए तो लिख दिया मैंने। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कुछ लिखना है,
तो लिखने के लिए क्या करेंगे, अगेन लिखने के लिए अगेन मुझे लिखना है, तो टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया मैंने और एक एरिया सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक। लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूँगा, देखिए मैं लिखता हूँ जो टेक्स्ट है पर लिखना पड़ेगा, नीट क्वालिफाइड। क्वालिफाइड स्टूडेंट, स्पेलिंग गलती हो गया, इसे ठीक करना होगा। क्वालिफाइड है QULI ए FIED, क्वालिफाइड लिख दिया। स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख दिया। अप्लाई, अप्लाई कर दिया। करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, इसे मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड कर दिया 12, ठीक है साइज। लेने के बाद इसे भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लाके, इस जगह पे लाके रख दूँगा। देखिए इस तरह मुझे रख देना होगा, इस टेक्स्ट को रख दिया मैंने। अब ये जो है वाइट है, यहाँ पे एक मुझे येलो बॉक्स चाहिए, तो येलो बॉक्स के लिए क्या करेंगे, अगेन आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक, सॉरी टूल बॉक्स में जाएं और ये रेक्टेंगल टूल जो उस पर क्लिक कीजिए और एक नॉर्मल सा आप यहाँ से जस्ट इस जगह से आपको एक बॉक्स इस तरह ड्रॉ कर देना है, इस तरह आपको बॉक्स ड्रॉ कर देना है। यहाँ तक मैं ड्रॉ कर देता हूँ बॉक्स, ये देखिए मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब इसे क्या कलर करना है, येलो करना है, तो अगेन आप कलर पैलेट में जाएँ, येलो पे क्लिक कर दीजिए। और करने के बाद इसका लाइन भी चाहिए मुझे, येलो लाइन पे क्लिक किया, येलो कर दिया। करने के बाद ये जो बॉक्स मैंने लिया है इसे पीछे भेजना है, तो इसे क्लिक कीजिए, एलिमेंट में जाइए, अरेंज में जाइए, अब सेंड यहाँ पे बैकवर्ड दिया, सेंड बैकवर्ड कर दीजिएगा, आ जाएगा देखिए यहाँ पे सेंड बैकवर्ड, लेकिन अभी भी ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा आया नहीं है, तो इसको क्लिक कीजिए। करने के बाद एलिमेंट में जाइए, अरेंज में जाइए, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं इसे, अब देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए अब आशा करता हूँ मैं आ गया, देखिए ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। इसे मैं क्लिक करके इसे मिडिल में रख देता हूँ, ये अब यहाँ मैंने क्लिक किया इस पर। करने के बाद इसके नीचे भी एक टेक्स्ट और लिखना है, वो लिखना है सेशन 2017 to 18, तो अगेन टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया और एक एरिया मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सेशन CSSIUN सेशन 2017 अपन दिया 18, लिख दिया मैंने। लिखने के बाद इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद इसे भी मैं बोल्ड करूँगा, इसका कलर होना चाहिए रेड, तो रेड मैंने कर दिया। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ, अगेन मैं इसे 14 कर दिया, ये तैयार हो रहा है, देखिए डिज़ाइन ये मैंने यहाँ पे लाके रख दिया। अब आपको डिज़ाइन दिख रहा होगा, ये देखिए ये तैयार हो गया। उसके बाद नीचे आपको ये जो वाइट पोर्शन है यहाँ भी कुछ लिखना है मुझे, तो यहाँ लिखना है ओनली 10 लैक्स टोटल या ओनली 9 लाख, जो भी लिखना है यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं टेक्स्ट टूल पे और एक एरिया सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा ONLY ओनली, देखिए आप ओ ओनली 10 lakhs लिख दिया टेक्स्ट मैंने, ओनली 9 10 लैक्स। उसके बाद लिखने के बाद इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लिखने के बाद इसे मैं 24 कर दिया और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, और इसे आप चाहें तो 20 से ज़्यादा 30 भी कर सकते हैं, 30 कर दिया, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए यहाँ पे लाके मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। रखने के बाद इसे भी मैं रेड कलर करूँगा, तो टेक्स्ट टूल से इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद ये कलर पैलेट में जाऊँगा सॉरी, और ये रेट पे मैंने क्लिक कर दिया, ये देखिए 10 लैक्स हो गया। अब मुझे और एक लाइन लिखना है नीचे, वो लिखना है टोटल ट्यूशन फीस फॉर 4 ईयर्स, तो अगेन टेक्स्ट टूल पे क्लिक किया मैंने और एक एरिया सेलेक्ट करूँगा, बाहर भी लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने लिख दिया टोटल IUN ट्यूशन फीस फॉर 4 ईयर्स, लिख दिया। लिखने के बाद इसे भी मैं सिलेक्ट करूंगा, इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूं मैं 18
और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 24 ज़्यादा हो गया, ऐसे 20 है जो साइज आपको चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं 19 कर देता हूँ, 19 किया, इंटर प्रेस कर दूंगा, ये तैयार हो गया, बोल्ड कर देता हूँ इसे मैं, ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पे तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे इसे ला के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। उसके बाद ये जो नीचे का पोर्शन है थोड़ा सा इसे मैं थोड़ा सा बड़ा इधर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हैंड टूल पे क्लिक किया, ये देखिए ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो रहा है। उसके बाद करने के बाद जो नीचे का पोर्शन है उसमें मुझे नंबर लिखना है, तो अगेन आप एरिया एक सिलेक्ट कीजिए, और एक एरिया सिलेक्ट करने के बाद आप नंबर यहाँ टाइप कर दीजिए। जैसे नंबर मैंने टाइप किया 9633, ये नंबर है, और एक और नंबर है 3, ये फिर एक नंबर अगर और देना है नंबर, ये दो नंबर काफ़ी है। इसे अब मैंने सिलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसे 30 कर दिया मैं नंबर, ज़्यादा बड़ा हो गया, इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, एरिया ज़्यादा ले लिया, इसे मैंने क्लिक करूँगा, इसे मैं इस तरह सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए ज़्यादा ज़्यादा बड़ा हो गया नंबर, कोई बात नहीं। इसे अगेन टेक्स्ट टूल से मैंने सिलेक्ट किया, तो स्पेस कम करता हूँ, ये यहाँ पे स्पेस कम कर दिया, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, 30 है, इसे मैं कर देता हूँ 24, ये ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड, ये देखिए नंबर। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, ये यहाँ पे स्पेस दे दिया। इस नंबर को एरियल ब्लैक अगर करता हूँ तो इस नंबर को एरियल ब्लैक कर देते हैं, अगेन आप यहाँ पे एरियल ब्लैक कर देता हूँ जी, देखिए एरियल ब्लैक, इंटर प्रेस कीजिए, ये देखिए नंबर ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, साइज़ इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ, साइज़ बहुत ज़्यादा 24 कर देता हूँ, तो भी बड़ा हो गया, एरियल ब्लैक है इसीलिए 18 कर दिया, ये ठीक है। नाउ स्टिक, ये तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये जो लास्ट चांस है इसे थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाता हूँ, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे मैं इसे सजाना पड़ेगा इस तरह, ये तो ये नॉर्मल सा मैंने आपको डिज़ाइन इस तरह हो जाने के बाद इसे थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सुंदर से अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा आपको लेफ़्ट राइट डिज़ाइन को थोड़ा सा बीच में लाना होगा, ये थोड़ा सा नीचे कीजिए इसको, हाँ जैसे इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये देखिए ये, तो थोड़ा सा डिज़ाइन को आपको अच्छा करने के लिए आपको थोड़ा सा, हाँ ये सही है, ये मैं इधर ले लेता हूँ, और थोड़ा सा पतला इधर जाएगा, हाँ ये इधर, ये देखिए। उसके बाद ये जो बॉक्स है थोड़ा सा इसे लेफ्ट राइट में कर देता हूँ, हाँ ये। उसके बाद करने के बाद आप चाहें तो इस पॉइंट थोड़ा सा इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए ये, इसे आप चाहें तो थोड़ा सा और थोड़ा नीचे कर सकते हैं नंबर को, ये मैंने कर दिया, ये नंबर को ज़रा वाइड कर देता हूँ, टेक्स्ट टूल पे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, इस नंबर को सिलेक्ट किया मैंने, और इसे मैं पेपर पे क्लिक कर दूंगा, ये देखिए वाइट, ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब इसे क्या करना है, आपको राइट क्लिक करता हूँ, ये जो फोर है बहुत छोटा लग रहा है, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, सिलेक्ट किया, उसके बाद 18 के जगह पर मैं इसे कर देता हूँ 24, दैट्स बेटर, हाँ ये पहले से बेहतर लग रहा है, ये देखिए इसे यहाँ पे लाके मैं रख देता हूँ, तो इस तरह डिज़ाइन तैयार होता है। अब इसे क्या करना होगा आपको, इसे मैंने इसे आपको जो करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये जो लॉक करके रखा हुआ आपका, ये देखिए जो मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो लॉक आपको दिखाई दे रहा होगा, करने के बाद इसे आपको एलिमेंट में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आने के बाद इसे लॉक एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अनलॉक, पहले लॉक था इसे अनलॉक कर दिया मैंने, उसके बाद अगेन राइट क्लिक कीजिए, उसका फिट इन विंडो कर दीजिए, तो इस तरह डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगेन आप पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिए, करने के बाद इसे पूरा का पूरा इस तरह पूरा का पूरा इसे सेलेक्ट कीजिए डिज़ाइन को, ये मैंने डिज़ाइन को सिलेक्ट कर किया, इस तरह आपको सिलेक्ट करना होगा पूरा डिज़ाइन को। उसके बाद आपको क्या करना है, एलिमेंट में जाइए, अगेन नीचे आएंगे, ग्रुप ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए अब ये ग्रुप हो गया, एक साथ हो गया, देखिए ये देखिए। अब अगेन मैं इसे राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद एक्चुअल साइज़ में जाते हैं, उसके बाद हैंड टूल से आप इसे इस तरह आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं।
तो ये रहा सिंपल सा न्यूज़पेपर एड, इस तरह डिज़ाइन करते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस तरह का डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे एडोबी पेज मेकर 7.0 के साथ। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स लेकर आने के लिए। और मेरा ट्यूटोरियल देखने के लिए फिर से धन्यवाद।